सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम योर अब्सेक प्रेजेंटिंग यू द टॉपिक ऑफ क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री ऑफ चैप्टर नंबर 4 का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। मतलब कि कोई एटम एन ए है, उसका उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियस एन ए, सॉरी गाइस मुझसे गलती हो गई। सबसे पहले हम लोग करेंगे तो यही, लेकिन स्टेप 2 में सबसे पहले लोग एन ए का क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका, 11 होता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 1। मतलब यहाँ पे हम लोग को 3 सेल लगेंगे। हमने एक बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में लिखा एन ए, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद बनाई पहली सेल, पहले सेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 फिल कर दिया। फिर बनाई अगली सेल, अगली सेल में कितने आएंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर बनाई तीसरी सेल में कितने आएंगे, 8। ये बन गया एन ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे एन ए, अब यहाँ पे लिख देंगे प्रोटॉन कितने होंगे, 1, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो प्रोटॉन कितने होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और न्यूट्रॉन 0। अभी मैं आपको बता दूंगा कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। बहुत ईजी ट्रिक होगी, वो अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम होगी। अगर आपसे बात की जाती है पोटेशियम की, पोटेशियम का अगर हम लोग बात करें उसका वो कितना होता है, क्या एटॉमिक नंबर होता है 19, वो 19 नंबर पे आता है। उसके बाद आता है कैल्शियम। अब देखिए पोटेशियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो अपन लग क्या बोलते हैं, 2, 8, 8, कितने हो गए, 2, 8, 10, 8, 18, 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, मैं इसी में बता दे रहा हूँ, ये हो गई आपकी सेल के, 2 हो गए, 8 हो गए, फिर इसमें भी 8 होंगे, 1, 2। इसका रिप्रेजेंटेशन आप कुछ इस तरह करेंगे, मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ, मतलब कि आप बनाएंगे पूरे एकदम बेस्ट तरीके से। पोटेशियम की बात की गई, आप बनाएंगे एक न्यूक्लियस, इसमें लिखेंगे के, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। अब आप जब इसमें एटम को रिप्रेजेंट करेंगे उसका तरीका देखें, पहले 2 कर देंगे, उसके बाद से कितने हो जाएंगे, 8। अब 8 में देखिए 1, 2 बता दीजिए आप, पहले यहाँ पे करेंगे थोड़ी थोड़ी दूर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से आपको वेट करने हैं तो फिर उसी तरह करेंगे 2। इसे देखने में अच्छा लगता है और आपको नंबर भी मिलेंगे। आप देखिए ये हो गया 2, 8, 8 और 1, काम कंप्लीट, खत्म काम। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो मैं भी बता रहा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे फाइंड किए जाते हैं। देखिए अगर हम लोग मानिए कोई हमारे पास एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक मास होता है, वो होता है, मतलब देखिए आपको ये तो पता होगा एटॉमिक मास को हम लोग, एटॉमिक मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, क्या गाइस, सॉरी गाइस, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम लोग करते हैं ए से। एटॉमिक मास हो गया ए और एटॉमिक नंबर हो गया जेड। एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर जेड। अब कोई एलिमेंट है उसमें एटॉमिक नंबर जो जेड होता है वो नीचे होता है, मास ऊपर होता है, क्या गाइस आपको ये पता चल गया, ये हो गया मास नंबर और ये हो गया एटॉमिक नंबर। आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, मतलब कि जो कोई भी एलिमेंट होगा उसमें एटॉमिक नंबर नीचे होगा, बस। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, एटॉमिक नंबर एक्स, एटॉमिक नंबर सॉरी गाइस एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड। कोई भी एलिमेंट हो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जेड, और वो क्या होगा, नीचे होगा। ये हो गया मास नंबर, ए मास नंबर, और ये हो गया जेड, क्या हो गया हम लोग का एटॉमिक नंबर। अब देखिए अब अगर हम लोग बात करें इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, तो इसका सबसे इजी फार्मूला होता है, क्या इजी फार्मूला होता है, मतलब कि जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए। जेड क्या है यहाँ पे हम लोग का एटॉमिक नंबर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या गाइस, उस पर्टिकुलर उस एक्स एलिमेंट में जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये तो बात हो गई किसकी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
अब अगर हम लोग अगले फॉर्मूले की बात करें, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, और एक और फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू एन प्लस बी। ए इज इक्वल टू ए मतलब एटॉमिक मास अगर हम लोग को निकालना हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता हो। देखिए मैं भी आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल करके दिखाऊंगा। एटॉमिक मास इक्वल टू एन प्लस बी मतलब कि एटॉमिक मास निकालना हो अगर जिसे हम लोग ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और जो अगला फार्मूला इजी सा है वो भी इसी तरह एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। अगर हम लोग को न्यूट्रॉन निकालने हो तो एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दे। अब देखिए मैं आपको कोई एक अच्छा सा एग्जांपल दे, जैसे आपके पेपर में आ सकता है एक्स नहीं है यहाँ पे हाँ एक्स एलिमेंट ही है और उसका एटॉमिक मास हो गया 40, एटॉमिक नंबर हो गया 20। तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक नंबर कितने हैं मतलब प्रोटॉन कितने हैं, आपको प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखो जेड इसे हम लोग कहते हैं, जेड इसे हम लोग कहते हैं, तो एक पहला फॉर्मूला से आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉन जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, जेड है यहाँ पे 20 तो मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन जेड है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे लिखो कि जेड इज इक्वल टू 20 तो प्रोटॉन यहाँ पे कितने हो गए 20 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20, काम खत्म। प्रोटॉन कितने हो गए 20 और इलेक्ट्रॉन हो गए 20। अब अगर बात करें न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमको पता चल गया। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन निकालने का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एटॉमिक मास क्या था हम लोग यहाँ पे 40 है, पिछले अभी जो जल्द में प्री बोर्ड हुआ उसमें आया था, मैंने भी पेपर दिया था तो उसमें आया था। अब देखिए 40 एटॉमिक मास एंड न्यूट्रॉन निकालने के एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 20, न्यूट्रॉन आ गए 20। तो ये लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया एटम को। अब मैं आपको एक दो डिफिनेशन बता देना चाहता हूँ, आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका मास नंबर हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर्स मतलब एटॉमिक नंबर जेड सेम रहेगा और ए डिफरेंट रहेगा। मतलब अगर मैं इसको अपन इसकी डिफिनेशन बोले तो वो होगा, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर। ये हो गया हम लोग का आइसोटोप, आइसो बार इसी काउंट होता है Having a same atomic number but different mass number। अब देखिए ये हम लोग ने कर ली बात, अब हम लोग बात करेंगे नोबल गैस, नोबल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आप ये तीनों फार्मूले वीडियो को पीछे ले जाके मतलब रिवाइंड करके आप उसको इन सारे फार्मूले को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग बात करें नोबल गैसेस की, तो नोबल गैस अनरिएक्टिव है। क्या है जो नोबल गैस है वो है अनरिएक्टिव है। क्या नोबल गैस क्या है, अनरिएक्टिव है। तो नोबल गैस अनरिएक्टिव है, तो अब देखिए नोबल गैस क्या है, अनरिएक्टिव है। अब नोबल गैस हो गई अनरिएक्टिव, तो ये ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। तो मतलब नोबल गैस क्या होता है, स्टेबल होता है। नोबल गैस अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोलूँ तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडियॉन। तो देखिए ये तीन हम लोग को पढ़ने हैं ही, इसको याद करने की ट्रिक देखिए, ही मी है नी अर्गन एक्सन बनाए। देखिए नोबल गैस क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, ना गेन करती है ना लॉस करती है, और ये क्या होती है, स्टेबल होते हैं। अब देखिए नोबल गैस में, नोबल गैस मतलब कि मेनली ये दो तरीके होती है, मतलब कि स्टेबल होने के दो चांसेस है, या तो डुप्लेट रूल लगेगा उसमें या तो ऑक्टेट रूल लगेगा। डुप्लेट रूल क्या होता है, मतलब कि हीलियम की अगर हम लोग बात करें उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो दो से स्टेबल होता है। हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक लेके स्टेबल होने के लिए हीलियम तक ही जाएगा। और जो लिथियम है उसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, वो सात लेने से अच्छा एक छोड़ के हीलियम पे स्टेबल हो जाएगा। तो डुप्लेट रूल अगर मैं आपको बोलूँ तो डुप्लेट रूल का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि डुप्लेट रूल, टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब हीलियम ही ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ऑक्टेट रूल की, तो एट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, एट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ये हो गई हम लोग की बात नोबल गैसेस की, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल आई होगा आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगर बात करें
शेयरिंग करके जो कंपाउंड बनाया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे।